और वो काम ही नहीं किया। आज के समय में हम लोग एक वैज्ञानिक का बात करते हैं, बाबा साहब वो वैज्ञानिक थे जो आज से 70 साल पहले जो सोचे थे कि 70 साल बाद 100 साल बाद क्या होगा, लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा, उस तरह से आज संविधान बनाया और उस संविधान को आज तक ले हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सोचिए बाबा साहब कितने बड़े वैज्ञानिक थे जो उस समय संविधान लिखे, देश का संविधान पढ़कर के लिखे। बाबा साहब हमारे देश के प्रथम लॉ मिनिस्टर बने। बाबा साहब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर वास्तव में कहते हैं बंगाल है, बंगाल में शिक्षा को पूजा जाता है, लेकिन बाबा साहब उस शिक्षा को पूजने के लिए भारत के गौरव बने हैं, भारत का नाम ऊंचा किया है। अभी अभिजीत दा बताएं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सर्वे ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो व्यक्ति है भारत से आकर के पूरे वर्ल्ड में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति उस समय आए थे, उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लोग आज हमारे पास अनेक तरह की टेक्नोलॉजी है, अनेक तरह का सुविधा, अलग अनेक तरह का संसाधन है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक गरीब घर में, एक ऐसे दलित घर में जन्म लिए थे जिनके पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं था, जिनके पढ़ने के लिए सुविधा नहीं था, फिर भी उन्होंने कष्ट करके पढ़ करके एक मुकाम हासिल किया। इसीलिए मैं तमाम गरीब शोषित पिछड़े सभी वर्गों को निवेदन करता हूँ कि आप लोग आइए और